में केंद्रीय योजना या फिर कार्यक्रम से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में केंद्रीय जो भी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत कब हुई थी वो इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अमृत योजना 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। सेतु भारतम की परियोजना 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च हुआ था। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को इसकी। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को की शुरुआत हुई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना
1 जून 2020 को शुरुआत हुई। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई। युवा पीएम योजना 29 मई 2021 को शुरुआत हुई। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। शेष कार्यक्रम 4 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई।